दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के विचार ऐसे हैं कि निराश व्यक्ति भी अगर उसे पढ़े तो जीवन जीने का एक नया मकसद मिल सकता है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1963 को हुआ था। विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन और वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1893 में अमेरिका के शिकागो में हुए विश्व धार्मिक सम्मेलन में उन्होंने भारत और हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व किया था। चलिए जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी के ऐसे अनमोल विचार जो हमारे जीवन की दिशा को बदल सकते हैं और कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये विचार आ सकते हैं। उठो और जागो, और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, ना ही शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या न आए, आप यकीन कर सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर सफर कर रहे हैं। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर उसका विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। किसी चीज से मत डरो, तुम अद्भुत काम करोगे। ये निर्भयता ही है जो क्षण भर में परमानंद लाती है। जो तुम सोचते हो वो हो जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो तो कमजोर हो जाओगे। अगर खुद को ताकतवर सोचते हो, तुम ताकतवर हो जाओगे। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से आगे निकल जाना। विश्व में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उनमें समय पर साहस का संचार नहीं हो पाता। वे भयभीत होते हैं। किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह, गिरो तो बीज की तरह, ताकि दोबारा उठकर उसी मकसद के लिए जंग कर सको। डर निर्बलता की निशानी है। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। खड़े हो जाओ, हिम्मतवान बनो, ताकतवर बन जाओ। सब जवाबदारियां अपने सर पर ओढ़ लो और समझो कि अपने नसीब के रचयिता आप खुद हो। एक नायक बनो और सदैव कहो, मुझे कोई डर नहीं है। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो। उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है।